11th of March 2011 दिन के 2:46 जब 9.1 के स्केल का भूकंप और 14 मीटर ऊंची सुनामी ने फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट अटैक किया और सारी इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर दिया। पावर प्लांट में पूरा अंधेरा छा गया। रिएक्टर के कोर तक पानी पहुंचने वाले पंप भी बंद हो गए, जिससे वो गर्म होने लगा और प्रेशर बनाने लगा। इस प्रेशर को कम करने के लिए 3 लोगों की सुसाइड स्क्वाड को रिएक्टर के पास रखे वाल्व ओपन करने के लिए भेजा गया और वो सक्सेसफुल हुए। लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनने लगी और उसने रिएक्टर नंबर 1, 3 और 4 में बड़ा धमाका किया। अगर वो 50 लोग जिनको फुकुशिमा 50 कहते हैं अपनी जान दांव पे लगा के वहाँ रह के इस प्लांट को हैंडल नहीं करते तो ये एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता। सल्यूट है उन 50 लोगों को।